TVS जुपिटर 125 जो होती है। यहाँ पे देखिए गाड़ी सर्विसिंग में है मेरे पास अभी, और गाड़ी का हम आयल चेंज कर रहे हैं। तो हमने इसका आयल निकाल दिया है। आयल निकालने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, 16 नंबर का रिंग पना या फिर गोटी पना आप ले सकते हो, और उससे आपको यहाँ पे देखिए नीचे में बोल्ट दिया जाता है, इसका बोल्ट ये देखिए, इस बोल्ट को खोलना है और उसके बाद आयल निकल जाएगा। और यहाँ पे एक फिल्टर भी रहता है आयल में, ठीक है, तो उसको भी निकाल लेना है। साफ़ करने के बाद, आयल निकालने के बाद इसको लगाना है फिल्टर के साथ में, इसको भी लगाना है ढक्कन को, ठीक है। और इसमें आयल लगता कितना है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे दिया हुआ है 700 ml इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें आयल डालेंगे हम HP का, ये रहा HP का आयल, जैसे कस्टमर बोलते हैं वैसे हमको करना पड़ता है, कस्टमर के बजट के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे आयल के लिए भी जो है जगह बहुत कम दी रहती है, तो इसमें चाड़ी या फिर चाड़ी में पाइप फंसा के आपको इसमें आयल डालना है, अगर आपको जमता नहीं तो। वैसे तो हम इसमें डालते हैं ऐसा कि फ्लेक्सिबल चाड़ी है तो टूटती नहीं है, इसको इस तरह से लगा देते हैं। और चलिए हम इसमें आयल डालते हैं, तो ये डाल रहे हैं हम HP का आयल इसमें, इस तरह से आयल डालना है। और उसके बाद आयल को डालने के बाद हमको ये गेज लगाना पड़ेगा, गेज जो है छोटा सा रहता है, यहाँ तक आयल आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, उसके बाद इसको लगा देना है, ठीक है।